सांस और चित्र को जनता को बाल और महिला अधिकारों दलित उत्पीड़न पर मैं काम कर रहा हूँ निशागर में के डिस्ट्रिक्ट कन्नौज की तरफ से। साथियों, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जिसमें चित्रकूट सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ बहुत दलितों की और गरीबों की आबादी ज़्यादा है। स्वास्थ्य सेवाओं का जहाँ तक सवाल है, जो अभी देखा गया है NRHM घोटाले का जो मुख्य आरोपी है उसी क्षेत्र का है, वहाँ एक ऐसी विशेषता है कि पहले कोई अधिकारी वहाँ आता नहीं और अगर आ गया तो फिर जाना नहीं चाहता। ये वहाँ की विशेषता केवल इसलिए है कि वहाँ इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो वहाँ उसके खिलाफ काफी गुंडों से, बदमाशों से, पुलिस प्रशासन से मिलकर के इस तरह का होता है। स्वास्थ्य सेवाओं की अभी बात चली, अभी एक हफ्ते पहले एक ब्लाइंड महिला भूख से मर गई। कार्ड है सब कुछ और जब आवाज उठाया गया तो उसके घर में राशन कार्ड फेंक दिया जाएगा, एक कुंटल अनाज रख दिया जाएगा, ये शासन की बात। स्वास्थ्य सेवाओं में अभी एक महीने पहले एक बालक जो न्यू बॉर्न बेबी था, वो डॉक्टर के घर में दरवाजे पे उसकी डेथ हो गई। अस्पताल में कम काम करेंगे, अपने क्वार्टर में ज्यादा काम करेंगे। ये मुकेश हर जगह जब घेरा गया, वहां सैकड़ों के लोग आ गए, अखबार वाले, मीडिया वाले आ गए, तो पुलिस आ गई डॉक्टर को बचाने के लिए। वो केस हम लोगों के पास आया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, फिर हम केस डाले हैं। लेकिन अब सारे दबाव, सारे कंधे जो पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, कई फोटोग्राफ्स लाए हैं। अस्पताल में जैसे ही महिला जाती है, अगर वहां आशा बहू और दाई से लेकर के और डॉक्टर तक को अगर पैसा नहीं दिया गया, तो खून की कमी है, गर्भ में बच्चा मर गया, यहाँ कोई उपकरण नहीं है। अभी जिस दिन हम लोग यहाँ आए उसी दिन सुबह की एक घटना थी कि PSC में गई महिला, उसके साथ तामीरदार भी थे, और उसको ये कहकर के वापस कर दिया गया कि बच्चा पेट में खत्म हो गया, यहाँ से ले जाओ। और जैसे वो अस्पताल से बाहर आती है, वो वहीं उसके बच्चा पैदा हो जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं वहां एक आम बात है। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति, चाहे वो भूख से मरे, भूख से तो प्रशासन कहीं मानता नहीं, वो यही कहेगा कि इसको बीमारी थी। भूख जब लगती है, भूख के लिए उसके पास अनाज नहीं है और 8 दिन 10 दिन नहीं खाएगी तो फिर कोई बीमारी पकड़ लेगी, तो वो कहते हैं बीमारी से खत्म हो गई। तो फिर स्वास्थ्य सेवाओं का वहां क्या हाल है, ये भी एक बिंदु है जिस पे हमें देखना है। कि तो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे जनपद चित्रकूट में इतनी लचर हैं और महिलाओं की हालत काफी खराब है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसके लिए। हम चूंकि उसमें लापरवाही आती है, लापरवाही होती है, तो केवल कंज्यूमर फोरम या डॉक्टर के लापरवाही के खिलाफ हम केसवर्क ही वहां कर सकते हैं। जहां कहीं कहीं ऐसे केसों में आया कि हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, एरिया इतना ज्यादा बड़ा, जैसे अभी बात आई है कि PHC से जब गांव से महिला चलती है तो 20-20 किलोमीटर दूर है, वहां से कोई साधन नहीं है, कैसे आएंगे, बैलगाड़ी से आएंगे, साइकिल में बैठा के लाएंगे लोग, तो तब तक वहां केवल दाई रहती। बस दो एक घटनाएं ऐसी आई जहां हम लोग गए वहां 8 बजे 9 बजे रात में अगर कोई वहां पहुंचता है तो पता चला कि वहां दाई भी नहीं, और जब दाई आई तो उसको बहुत फोर्स किया गया तो वही कहेगी यहाँ कोई वो नहीं है, और दरवाजा खोला गया तो पता चला वो कमरे में वहां वो जाले और लगे हुए हैं, इसका मतलब वो वहां खुला नहीं है। ये स्थितियां बुंदेलखंड की हैं, इनको भी अगर जोड़ा जाए तो इसके लिए जो कारण है
वो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भ्रष्टाचार का कारण है और उनकी डॉक्टरों की लापरवाही है, उनके अंदर मानवीय गुण नहीं है, मानवीयकरण नहीं है, महिलाओं के साथ होने वाला वो एक उत्पीड़न है। आए दिन कुछ जो जागरूक लोग हैं उनसे रोजाना वहां झगड़े हो जाते हैं। डॉक्टरों के यहां कई दो तीन चार केस ऐसे हैं जहां डॉक्टरों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर कराया, वो केस चल रहे हैं, उनके दबाव हो रहे हैं। अस्पताल में एक केस आया, मैं आपको बताऊं, एक महिला अपने बच्चे को लेकर के, एक 6-7 साल का बच्चा था, खूब देख सुन रहा था, उसके कान में कुछ दर्द था और डॉक्टर के यहाँ गई, सरकारी अस्पताल में गई, उसने वहीं कुछ उसको दवा दिया और कुछ कान में डाला दवा और वो घर आई कि 2 घंटे के बाद उस बच्चे की आंख की रोशनी चली गई। बाद में वहां गई तो उसने और कुछ दवाएं दे दिया, ठीक हो जाएगा, ये रिएक्शन है, ऐसे करता रहा। फिर दूसरे दिन गई, डॉक्टर दूसरे अस्पताल के लिए वहां लिख दिया, जो प्राइवेट डॉक्टर था, एमपी और यूपी का बॉर्डर है, वहां गई तो उन्होंने भी कुछ दवा देके वापस आ गई। ऐसे 4-5 दिन जब हो गए, उसको हम लोग डीएम के यहाँ लेके गए और आवाज उठाई किस तरह हो गया, तो डॉक्टर मुकर गए कि ये पहले से ही ब्लाइंड था। अब वो दलित महिला है, वही एक बालक है उसके, उसके लिए फिर हम कंज्यूमर में डाले और अभी स्थायी लोक अदालतें बन गई हैं गरीबों को लुभाने के लिए कि वहां कुछ नहीं होना, लेकिन वहां भी हमने दलित जो स्थायी लोक अदालत है वहां हमने डाला डॉक्टर के खिलाफ, तो उसके ऊपर बहुत दबाव आया, क्या करोगी, कुछ पैसा ले लो और कुछ नहीं, वो दवा ऐसे नहीं, पहले से था इसके। वहां मोहल्ले के लोगों से हम लोगों ने जांच किया, उन्होंने कहा ये हमेशा लड़का खेल रहा था, इसके इसको दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वहां पुलिस और प्रशासन के दबाव से उस महिला को दबाया जा रहा, आज वो बच्चा अंधा है और कुछ भी न तो पुलिस और प्रशासन और न अस्पताल कुछ नहीं, वही कह रहे हैं पहले से था। तो इस तरीके से स्थायी लोक अदालतें जो एक व्यवस्था दी गई है कानून की भी कंज्यूमर फोरम की, वहां भी वही सामंतवादी सोच है कि दलितों को कैसे दबा दिया जाए, गरीबों को कैसे दबा दिया जाए कि वो आवाज न उठाए। तो ये स्थिति हमारे मुद्दे का बात है।